هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى كفضل وكرمها كها مجلس जित में, में हम उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हम से पहले नेक लोग सलफ, सहाबा तबयन तब तबय अमल करते थे तो उनमें से तीन बातें आज के इस दरस में हमारे साथ हैं देखते हैं कितना हम सुन सकते हैं कितना वक्त हमारा साथ देता है या इन्होंने ज़िक्र किया तर्क तवीरकबीर बड़े लोगों की इज़्ज़त नहीं करना ये हमारा तरीक़ा नहीं है सलफ़ का तरीक़ा नहीं सगीर छोटे बच्चों के साथ शफक्त न करना ये हमारा तरीक़ा नहीं है व मरफत वक़ आलिम एक आलिम के हक की नाशनासी करना एक आलिम को डिसग्रेड करना बेइज्जत करना वो हमारा तरीक़ा नहीं हैं तो सीधी सीधे बात है कि आलिम लोग ख़ुद अपने की इज़्ज़त करेंगे तो आवाम करेंगे आलिम लोग ख़ुद ही नहीं समझे कि एक आलिम की बेइज़्जती हो रही है ये लोग ख़ुद उसमें शरीक हो जाएं तो दूसरे लोग ज़्यादा बेइज़्ज़ती करेंगे तो यही तीन बातें हमारे साथ हैं इन शाह अल्लाह ताली की तोफ़ी और मदद से पहली बात से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं वो है रियायतुलमसन यानी बड़े लोगों की इज़्ज़त करना बड़े लोगों से मुराद उम्र में भी बड़े हो सकते हैं उम्र में भी बड़े हो सकते हैं जैसे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में नौजवानों को ताक़द की है कि वो बुज़ुर्ग लोगों बड़े लोगों उम्र रसीदा लोगों की इज़्ज़त करें जैसे हदीतों में आता है अनसिब ने मारी कर रदी अल्लाह तु फरमाते हैं हमारे साथ ये हदीत है और इस हदीत में यह हदीत हमारे साथ है हसन है तिरमदी की रिवायत है और बाज़ इल्म ने इसे ज़ाइफ बताया है इस हदीस में बताया गया है इन नाम इजला यानी इस हदीस में इस बात का ज़िक्र है कि कला रसूल सल्ला वसम म अक राम शाह बुन शय खनली सिन्न अला कैबल्लामू इंद अगर कोई नौजवान अपनी नौजवानी में किसी बूढ़े आदमी बुजुर्ग आदमी की इज़्ज़त करता है तो अल्लाह उसके बुढ़ापे में नौजवानों को उसके इज़्ज़त के काम पर लगा देता है समझ में आई हदीस हम अगर बूढ़ों की बाज़ लोग हैं बूढ़े लोगों की लाठी छुपा देते हैं मजाक करते हैं ऐसा हमने देखा है उनकी लाठी छुपा दिया उनसे मजाक किया हाँ बूढ़ा आदमी है उसकी इज़्ज़त करना चाहिए बुज़ुर्ग आदमी हैं अगर उसकी इज्जत करेंगे तो इसके बुढ़ापे में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुसलत करेंगे जो उसकी इज्जत करेंगे तो ऐसे बहुत सारी हदीसें आती हैं कि नौजवानों को उभारा गया है कि वो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें जैसे अल्लाह के नबीम की हदीस أبو موسى رضی رضي الله تعالى عنه حدیث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إن من إجلال الله وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط الله كنبي صلى الله عليه وسلم نے اس حديث میں بتایا إكرام ذي الشيبة المسلم ऐसा मुसलमान जो इस्लाम की हालत में बूढ़ा हुआ है अगर आप उसकी त... इज्ज़त करते हैं तो अल्लाह ताला की तवीम में ये चीज़ दाखिल है आँ कुरान गैर गैरिलिफी कुरान का इल्म जिसे हा, हाफिद कुरान है आप उसकी इज्ज़त करते हैं वही क़राम सुल्तानमस और इसी तरह वो बाद... बादशाह जो इंसाफ पसंद हो आप उसकी इज्ज़त करें तो इन दोनों हदीसों में जो बात बताई गई कि बुज़र्ग लोग जो बूढ़े उमर रसीदा हों उनकी इज़्ज़त करें अब्दुल्ला बिन उमर तु की हदीस है अन्ना रसूल सल्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समन्म सग़ी वकीर कबीरना हमें से वह आदमी नहीं है जो में से बच्चों पर रहम ना करे बड़ों की तज़ीम न करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी नबीसलम कहते हैं कि ऐसा आदमी में से नहीं है जो हमारे बूढ़ों की तोकीर न करे बच्चों पर रहम न करे तो ये सारी हदीतें अल्लाह के नबी नबीसम की हैं और कभी हमको लगता है कि सारे लोग मुझे सलाम करें मैं किसी को सलाम ना करूँ ना करूँ बोलते वैसे ही सोचते हैं लोग सारे लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा जुमे का खुतबा सुने नहीं हमें मैं बड़ा तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊँ अबू वो हुर रजी अल्लाह तारा फरमाते हैं रसूल सल्लास अकाल युस यूसम कबीर। अल्लाह के वसल्लम ने उसूल और क़ानून बता दिया कि बच्चा बड़े को सलाम करेगा छोटे बच्चे हैं बड़े को सलाम करेंगे आज बहुत कम बच्चे सलाम करते हैं माँ बाप अगर घर में सिखाए हों तो वो बच्चे सलाम करने वरना तौर से बच्चों का बड़ों को सलाम करना ये तहजीब ख़त्म हो गई वलमार अललकाद गुजरने वाला बैठने वाले को सलाम करेगा आप कहीं से गुजर रहे हैं जो लोग बैठे हैं उनको आप सलाम करेंगे कसीर जो कम जमात कम लोगों का ये है जमात वो बड़ी जमात को सलाम करेंगे बड़ी जमात का मतलब एक जगह चार आदमी खड़े हैं एक जगह दस आदमी खड़े हैं तो ये चार आदमियों की जमात किसे सलाम करेगी दस आदमियों की जमात को सलाम करेगी ये अल्लाह के वसल्लम ने उसूल बता दिया तो इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम कहते हैं आप किसी जगह जाते हैं तो पहले आप कोई चीज़ देना चाहते हैं मतलब मेहमान आपके घर आए, आप ड्रिंक देना चाहते हैं सीधे हाथ तरफ से देंगे या कहीं बुजुर्ग आदमी बैठा है ये तो बच्चे बैठे हैं तो पहले किधर देंगे बड़े आदमी को देंगे इसीलिए अल्लाह के नबी सस फरमाया अमर अनी जबरील अनुकद अकाबिर जबरील ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बड़े लोगों को आगे करूं। तो नमाज़ में इमाम के पीछे कौन रहना बड़े लोग रहना अगर इमाम को कुछ भी हो जाए इमरजेंसी में तो बड़े लोग क्या करेंगे इमामत करेंगे तो इसीलिए वो कहते हैं वहा, वहादी तकदीमिल कबीर वी उजूहल इक्रामी व तशरीफ़ आमथन हर मामले में बड़े लोगों को इज्जत देनी चाहिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब पानी देने की बात कही तो कहा कि पहले क्या करो बड़े लोगों को दो बड़े लोगों को देव दो इबदाऊ बिलकुबरा अवाल बिल अकाबिर इन्हीं बड़े लोगों को पहले दो जैसे अल्लाह के नबी नबीसम उमिन आयशा रजी अल्लाह तू कहते हैं अनहा कहती हैं कान सल्ह वसम अल्लाह के नबी सल्ह वसलम मिसवाक कर रहे थे और मिसवाक अल्लाह के नबीसम की दूसरों को देना था तो अल्लाह के नबीसम ने बड़े आदमी को दिया छोटे बच्चे को नहीं दिया जैसे कहते हैं फोक यह इई अनोस्िवा का अकबर हुमां उन दोनों में से जो बड़ा है उसे क्या करो मिसवाक दो तो सारी हदीसों का खुलासा ये समझ में आता है कि बड़े आदमी की तजीम होनी चाहिए और अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं का नाकबर वरफ आमी अल्लाह के नबी वसल्लम जब मिसवाक करते तो जो बड़ा आदमी हो उसे वो मिसवाक देते जब पानी पीकर बाकी देना चाहते तो सीधे हाथ तरफ जो है उसे क्या करते पानी का गिलास देते तो सारे कामों में ऐसे ही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ जो आ, मैंने बाज़लम से भी सुना है अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े जो काम होते हैं उसमें हम बच्चों के हवाले कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ा आदमी क्या करे वो काम की ज़िम्मेदारी लिए जैसे देखिए

ये बच्चों का एक खेल हो जाता बाजी जय हाँ, प्ले गार्डन किसका बच्चों का तो कहा कि नहीं अजान एक बड़ी चीज है मोहतरम चीज है उसे क्या करना चाहिए अच्छा बोल्ड आवाज जिसकी आवाज ये हो अच्छी हो जरा बड़ा आदमी हो ही क्या करे दे अच्छा वलू वलुम अखबार और जब इमामत का वक्त आए जो तुम में सबसे बड़ा हो वो क्या करें इमामत करे अकबर रकम के माने या तो पहले इस्लाम लाया हो वो ज़माने के हिसाब से या हिजरत किया हो या उम्र में बड़ा हो तो अब ये बात अल्लाह के नबी वसल्लम की उस बात उस बात से मुतारज़ नहीं होती जिसमें कहा कि कुरान सबसे ज़्यादा जिसको याद है वो क्या करे इमामत करे। ऐसा ही बोलें क्या करें कुरान जिसे याद है वो इमामत करें तो ये दोनों हदीसें कैसे आप जमा करेंगे इस हदीस में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इस हदीस में बताया गया कि सबसे बड़े आदमी इमामत करें और एक हदीस में बताया गया कि कुरान जिसे याद है अब इन दोनों हदीसों में कैसे आप जमा करेंगे इस तारस को कैसे दूर करेंगे ये देखिए अबू मसूद अबारी अल्लाह के नबी सस फ़रमाया कि वो आदमी कौम की इमामत करे जो अल्लाह की किताब को ज़्यादा जानता हो ज़्यादा याद हो वह अकदम अब कुरान पढ़ने वाले सब बराबर हैं सब को कुरान है दस पंद्रह हाफिजा हैं अब क्या करना अकदम हम हिजरतन जो सबसे पहले हिजरत किया हो वो नमाज पढ़ाएगा अभी तो हिजरत का हमारे पास ये नहीं है फ इनका हिजरती सवा अन अब सारे के सारे हिजरत में भी बराबर हैं फल उम अकबर जिनकी उम्र ज्यादा है वो क्या करेंगे नमाज पढ़ अब दस हाफ़िज़ा हैं दस हाफिज़ों में जिसका एज बड़ा है उन्होंने क्या करेंगे नमाज पढ़ाएंगे माशा कमाकबीर फिलहद फिलहदी फिलकाम देखिए ये चीज़ हम लोग शेख हनीस के साथ भी देखे हैं हम लोग सब बैठे तो एक छोटा आदमी बोलने की कोशिश किया तो शेख ने कहा कि नहीं जी बैठो जी तुम्हें बड़े आदमी को बोलने भी हो हा? तो छोटे लोग ज़्यादा बोलना चाहते हैं नहीं देखिए ये हदीस देखिए अन सहलिन व मुहैस बिन मसूद दो लोग अल्लाह के वसल्लम के पास आए एक सहल अब्दुल्ला बिन सहल और मुहैसे बिन मसूद अतया खैबर फ़तफ़र नखल ये दो साहबा खैबर का इलाका जहाँ यहूदी होते थे यहूदियों के इलाके में गए जाके दोनों कुछ माल लाए थे बेचने यहूदियों के महल्ले में एक पॉइंट पे पहुँच के बोले तुम्हें इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ माल बेचने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहीं आएंगे फिर वापस मदीना चलेंगे तो फखिल अब्दुल्ला बिन सहल लेकिन क्या हुआ अकेले जो गए अब्दुल्ला बिन सहल माँ यहूदियों ने उनको क्या कर दिया मार दिया वो मकतूल हो गए फखला अब्दुल्ला बिन सहल फजा अब्दुलरहमान अब्न सहल व हुआस व मुहैसी इबना मसरूद तो मसरूद जो आ, ये जो इब्ने मसरूद के जो दो बेटे हैं एक का नाम वईसी और मह दो बेटियों का नाम था वो दोनों अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए आकर बोला कि देखिए हम ऐसा यहूद खैबर के महल में गए और हमारे एक साथी ऐसा यहूदियों ने कत्ल कर दिया तो बात करने लगे फतकलमूफी अमरी साहिब हिम फद अब्दुलरहमान वक़ान असगर कौम अब्दुलरमान उन्होंने बात शुरू की अब्दुलरहमान नेब्दरमान बिन सहल ने वो बताना डिफेंस कैसे हुआ कैसे कतल हुए बात बताना शुरू किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कबिर अलकुबरा क्या बोले अल्लाह के रसूल तुम्हें खामोश हो जी बड़े लोगों को बोलने दो जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे कतल की वारदात की खबर है तो बड़ा आदमी सारी चीज़ें जान कर बोलेगा जो कम उम्र है उसे उतने सारे गोशों का इल्म नहीं होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलकुबरा यानी बड़े आदमी को क्या करो बोलने दो बड़े आदमी की इज्जत करो उनके होते हुए तुम क्या नहीं करो बात ना करो तो बात समझ में आती है कि चाहे बाप हो चाहे नाना दादा हो चाहे मस्जिद में कोई भी बड़ा आदमी हो बुजुर्ग आदमी हो उसकी आप क्या करेंगे इज्जत करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे चाहे वो कैसे भी हो ये जरूरी नहीं कि वो कैसे हो बड़े आदमी हैं अब उनकी इज्जत करना हमारे ऊपर ज़रूरी है और इसी तरह आप देखेंगे कि बड़े लोगों से ये शरीयत के अहकाम भी थोड़े क्या हो गए हैं माफ़ हो जाते हैं आदमी जब बड़ा हो जाता है तो शरीयत के अहकाम भी उससे क्या हो जाते हैं माफ़ हो जाते हैं देखिए अम तखफ़ीफ अनिल अनिलमुसिन फिलकफारात जो बड़े लोग बुज़ुर्ग होते हैं अक़ल उनकी काम नहीं करती क्या बोलते हैं किसको बोलते हैं समझ में नहीं आता तो आपने सूर मुजादला क़ुरान से पढ़ा होगा सूर मुजादला मुजादला आर्गमेंट लड़ाई उसे वो सारी सूरत है खौला बिनतलबा के हक में खौला एक खातून है बिनतलबा तो उनकी बेहतरीन दौला व दलील है उनके जो हैं है अवसबन सामित उनके हसबैंड का नाम क्या औस इबन सामित बीवी का नाम खौला खौला आप हैदराबाद में जाएँ तो बहुत सारे मदरसे के नाम मिलेंगे खौला मदरस खौला हाँ, तो खौला बिनत अलबा ये मशहूर सहाबियाँ हैं मशहूर कैसे होंगी इसलिए कि इनकी बात अल्लाह ने सुनी खौला की बात किसने सुनी अल्लाह ने सुनी इसलिए इनके नाम से सूर मुजादला एक सूरत रख दी गई तो उनके शोहर का नाम क्या था औस औस बिन सामित तो उनसे एक जो गुना हो गया था गलती हो गई थी वो जरी मत विहार विार व पीठ को बोलते हैं उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है तो उन्होंने क्या कर दिया अपनी बीवी को माँ के बराबर बना दिया तो अल्लाह ताला का हुक्म नादिल हुआ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا

तो ये सारा किस्सा है ओसबन सामित का और उनकी बीवी बिनते सालबा का खौला बिनते हकीम अलग है बिनते सालबा ये अलग है बिनते सालबा तो अब इन्होंने क्या कर दिया था अपनी बीवी को तो ये दौड़े दौड़े अल्लाह के वसल्लम के पास आई आकर बोला अल्लाह के नबी मैंने सारी जिंदगी अपने शोहर की खिदमत के लिए वफ कर दिया सारी जिंदगी उनकी खिदमत करती रही अब वो बूढ़े हो गए हैं क्या बोलते समझ में नहीं आता अब उन्होंने क्या कह दिया है माँ के बुरा तो परेशान होकर गई तो अल्लाह के नबी सफर में अब मैं क्या करूँ अब उन्होंने कह दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो कहा कि इंतजार करो अच्छा अब इस दीवार के उस पार उमर आयशा रजी अल्लाह ते वो समझ हैं कि कोई खातून आई हैं अपना शिकवा लेकर आई हैं शिकायत लेकर आई हैं अल्लाह के वसल्लम से गुफ्तु चल रही ले है लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन जो बात उमिन आयशा रदी अल्लाह त नहीं सुन सकी सातों आसमान के रब ने सुन लिया और आयत नादिर हो गए अल्लाह ने सुन लिया है उस औरत की बात जो अपने शोहर के बारे में झगड़ती हुई आई बात सही थी जिंदगी भर उन्होंने उनको बर्दाश्त किया उनके लिए खिदमत किया उनके लिए सब कुछ किया और जब बुढ़ापे में ऐसे हो गए गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो क्या कर दिया बीवी को ऐसा कह दिया तो अल्लाह के नबीसम ने कहा मोरी मोरी हिफलिया कबा अच्छा ऐसा करो इस गुनाह के कफारे के तौर पर एक गुलाम आजाद करने को बोलो स्लेव। ले गुलाम क्या करे आज़ाद करें अब बीवी है जानती हैं शोहर के बारे में कि उनके पास कुछ नहीं है उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा फसल जी हा क्या बोली थोड़ा क्या तुम्हें? कम करो अपने शोहर को जो ये ये जो प, ये पनिशमेंट जो कफारा जो बन रहा है उसे क्या करो कम करो तो अल्लाह के नबी सा फल शहरा मुत आइन दो महीने कंटिन्यूस वो रोदा रखे बीच में गैप नहीं आना होता क्या दो महीने फकालत फकालत औरत कह रही है वल्लाहि ही शेखुन कबीर माँ अभी सियाम क्या कह रहे हैं वल्लाह की कसम वो बहुत बूढ़े हैं रोज़ा नहीं रख सकते औरत कभी भी शोहर के लिए क्या होती है बड़ी रहमदिल दिल होती है अभी मैंने नोएडा का आज का न्यूज़ पढ़ा वो शोहर को मना कर रही थी कि आप बंगला नहीं बेचें उसने उसे खतल ही कर दिया बीवी को हाँ? तो शोहर बीवी चाह रही थी कि घर बेचा ना जाए उसने क्या कर दिया कतल कर दिया तो अजीब लोग हैं बीस साल चालीस साल जीते हैं लेकिन दुनिया के खातिर जान भी क्या करते हैं निकाल देते हैं ये देखिए वकाल रसूल लिखा तो कहा कि वो रोजा नहीं रख सकते बूढ़े हैं तमर ठीक है अल्लाह के नबीम ने और एक ऑप्शन उनको दिया अच्छा ऐसा करो कि साठ मिस्किनों को खाना खिलाए देखा आपने ये कफारा है साठ मिसकिनों को खाना खिलाए वो खजूरों का एक वस्क होगा तो फकुल या रसूल अल्लाह माधा का आंदा तो बीवी ने कहा अल्लाह के नबी उनके पास क्या बिच नहीं साठ मिसकिनों को खाना खिलाना दूर की बात उनके पास क्या नहीं है कुछ नहीं है उनके पास वो ऐसा नहीं कर सकते हैं साठ मस्किनों को खाना खिलाना उनके बस की बात नहीं है जैसे उन्होंने कहा देखिए उसके बाद वो कहते हैं ठीक है ये नहीं हो सकता उनसे कि वो साठ मस्किनों को खाना खिलाएं तो एक बात उन्होंने कहा फनासन बार तमर ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको सपोर्ट करें गलती उन्होंने किया कफारा उनको देना है उनके पास कुछ नहीं है लेकिन सपोर्ट कौन कर रहे हैं अल्लाह के नबी वसल्लम कर रहे हैं हम उनके लिए खजूरों का एक बंडल एक बस्ता क्या करेंगे देंगे वो अपना कफा अल्लाह देखिए सरे से अल्लाह के नबी वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि चलो जान दो माफ हो जाएगा नहीं जो कफ़ारा देना है देना है उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं

जो तो वो चाचा के बेटे होते थे उनके हस्बैंड उनसे अच्छा अच्छाई करो क्या बोल रहे हैं गलती उन्होंने किया कफारा उन्हीं को देना है लेकिन औरत को भी क्या कर रहे हैं ताकीद कर रहे हैं कि उनके साथ क्या करो अच्छाई करो इस तीब अम्मी का खैरा कितना बैलेंस है दोनों तरफ यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अल्लाह के नबी वसल्लम ने बीवी को यह समझा दिया कि तुम्हारे नौशो ने गलती किया हंड्रेड परसेंट गलत हैं अब बीवी भर के जाए देखिए आपने कितनी बड़ी गलती कर, गलती कर दी ये एक अफवार साथ, साथ क्या कर रहे हैं बीवी को भी कंट्रोल में रख कर गए कि गलती उन्होंने किया है बहरहाल तुम क्या करो उन तुम्हारा उनके साथ अच्छाई करो दोनों तरफ दोनों तरफ ताकीद की इसी तरह बूढ़े आदमियों के लिए ज़ीफ आदमियों के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से खास ये होती है वो ये कि बूढ़े आदमी रोजा ना रखें तो क्या कर सकते हैं फिरिया दे सकते हैं हा? तो अगर वो खड़े होकर तरावी नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ सकते हैं हमारे पास तो हा? बहुत सारी कुर्सियां होती नी बहुत सारी कुर्सियां होती हैं तो वहां बैठ वो लोग लो नमाजें पढ़ते हैं तो अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लें तो एक मस्जिद में हम गए उधर एक कुर्सी भी नहीं तो बोले साहब नमाज हम नीचे नहीं पढ़ सकते हैं थोड़ा कुर्सी का बोला नहीं जी यहाँ कुर्सी सब नहीं देते हम लोग चेयर नहीं दे कैसा पढ़ना अल्लाह के रसूल के ज़माने में पढ़ते थे नहीं नीचे बैठ को पढ़ो क्या बोलो भाई नीचे बैठ जाए तो उठना मुश्किल है ना हमको उठे तो बैठना मुश्किल है नीचे बैठ जाए तो ये हद से ज़्यादा हो गया ये भी नहीं होना ये पूरे बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ा तो, ऐसा भी नहीं होना अल्लाह के सामने बैठे हैं कुर्सी एक सहारा है आप उसमें कैसे हैं, तोज़ों के साथ इनकसारी के साथ बैठें इसलिए कि अल्लाह का घर है मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ मैं अपनी मसनत पर नहीं बैठा हूँ झूलते हुए ढूलते हुए टेक लगा कर यानी ये, ये अल्लाह का घर है तो दोनों तरफ ज्यादाती होती है इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कुर्सियां ही निकाल दी न रहे बांस न बजे बांसुरी बांस रहेगा तभी तो कोई बांसुरी बनाएगा चलो बांस ही न रहे बांस न बजे बांसुरी तो ऐसा होता है दोनों चीजें गलत है अच्छा आ? अच्छा हा पैर अलग हला लेकर तो इनको आदाब बताना चाहिए जो इमाम होते हैं जो मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको आदाब तरीक़ा बताना चाहिए कि कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है तो बाज़ उलमा ने कहा कि एक आप कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ें थोड़ा भी बेतवजोही से पढ़ें नमाज बर्बाद हो जाएगी इसलिए कि इमाम के साथ रहेंगे तो इमाम सजदे में जाते हैं रुक आपको आइडिया रहता आप चले जाते है। कुर्सी पर बैठ के पढ़ें याद नहीं रहता कि कौन सी रकात पढ़ रहे हैं कौन सा सजदा हो रहा है इशारों में ना पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ देखिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने बुज़ुर्ग लोगों का कितना ख्याल किया अब एक नया जो ट्रेंड चला है नमाजों में कुरान ख़त्म करने का अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा किसी इमाम से कि आपने कुरान खत्म किया कि नहीं किया अल्लाह ये पूछेगा कि आपकी नमाज सुन्नत नबवी के मुताबिक थी कि नहीं थी आप बच्चों पर ज़यफ़ों पर कमज़ोरों पर ख्याल करते थे कि नहीं करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा किसे किस सहाबी को डांटा मुआذ बिन जबल को मुआذ बिन जबल रजी अल्लाहू अन्ह वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी से फरमाया इन्नी लवहिबुका या मुआذ ऐ मुआذ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए मैं तुमसे वैसे सहाबी से जब गलती हुई तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या किया उनको डांटा क्या गलती हुई देखिए या मुआजान अल्लाह के नबी वसल्लम ने तीन मर्तबा कहा मुआद क्या तुम फितना मचाना चाहते हो क्या क्या तुम फितना मचाना चाहते हो ऐसे सहाबी से अल्लाह के नबी वसल्लम तीन बार ये लफ्ज़ कह रहे हैं कि क्या क्या कर दिया था उन्हें उन्होंने जरा नमाज लंबी कर दी थी क्या कर दिया था फितना नहीं मचा अब आज जो फितना मचाने वाले अब उनका हाल देखे तो क्या बोलेंगे उनको क्या भी काम नहीं है सुबह से शाम तक फोन उठा को और इपड़ी पढ़ रहा अरे और ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप तो बस यही काम है इसलिए कि वेल सेटल लोग हैं बस यही काम कर रहे हैं दिन का तो किसी इस पर कीचड़ उछाला उसे बदनाम किया इसको बदनाम किया अपनी आकीबत से बे, बेफिक्र हैं उन अंत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार उनसे कहा अय मुआद क्या तुम फितना मचाना चाहते हो फल उला तब इसे बेहस मरबिक अरे नमाज पढ़ाना नहीं था तो ये सूरतें पढ़ा लेते क्या सूरतें सब और कल्ला व शम सी वहा कुछ लोग लम्बा पढ़ेंगे मालूम होना अच्छा इनको ये सब याद है कि सुर यासिन याद है ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं कि आप लम्बा दो सफ़े ही पढ़ें आप मुख्तसर पढ़िए छोटी अल्लाह के नबी कह रहे हैं छोटी छोटी सूरतें पढ़िए व शमसी व गुहा वल्लायक सा क्यों यूसली वा अकल कबीर इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों में कौन है बूढ़े लोग भी हैं वीफ कमजोर लोग भी हैं वजुल्हाजा या जरूरतमंद लोग हैं जो जल्द जाना चाहते हैं अब आए अच्छा यह मस्जिद है जल्दी हो जाएगा और बसाओत इतना यह होता है लोगों को मुझे भी अंदाजा नहीं था जब मैं इमाम था लेकिन जब बाद में लोगों से सुना तो पता नहीं मेरी इमामत में कितने लोगों ने तकलीफें उठाई किसी को एयरपोर्ट जाना था किसी को रेलवे स्टेशन जाना था उनको मालूम है कि 10 मिनट में नमाज़ ख़त्म हो जाती है कैसा भी रेल कैच कर लेंगे ट्रेन कैच कर लेंगे एयरपोर्ट में हम टाइम पे बोर्डिंग पास ले लेंगे इमाम साहब की थोड़ी सी गलती की वजह से क्या हो जाता है किसी की ट्रेन छूट जाती है किसी की फ़्लाइट छूट जाती है खासकर फजर की नमाज के वक्त कई कई लोग बाथरूम जाने वाले होते हैं तो इमामत बाजीजा यातफाल नहीं है बच्चों का खेल नहीं है इमामत करने वाला इन सारी चीजों को क्या करना चाहिए सोचना चाहिए देखिए वारा खसलमुसिनयरसलमैया इसी तरह मैुजान इसी तरह बूढ़े आदमी पर यह भी बता दिया गया कि वो चाहे तो अपने बदले किसी को हज पर भेज सकता है देखा आपने हा? अगर कोई बैठ नहीं सकता एयर ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है या सवारी सीट पर नहीं बैठ सकता है वो अपनी जगह किसी को हज पर भेज सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है तआला अब फरमाते हैं कबीले कसाम की एक औरत अल्लाह के नबीम के पास आई और कहा इन न अबी शे खन कबीर मेरे अबा बहुत बूढ़े हैं क्या बोलती औरत अबा बहुत बूढ़े हैं फरी रतलही आलही फिलह करना उन पर फर्ज है क्या है वायस्त अला गहरी बरीन वो क्या नहीं कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं ऊँट के पीठ पर नहीं बैठ सकते हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं ऊँट की फ़कॉल लहनबी सकॉ लहनबी वसम बहुजियान तुम क्या करो तुम क्या करो अपने पहु जी अपने बाप के बदले तुम हज करो तो मालूम क्या हुआ मर्द क्या हज बदल औरत कर सकती है बुढ़ा आदमी अगर हज पर जा नहीं सकता है तो उसके बदले कोई हज बदल कर सकते हैं देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए अल्लाह के नबी वसल्लम हज पर भेजने से पहले यहाँ जालिम ऐसे हैं अकबर कुछ जालिम ऐसे हैं जब फसादात हुए अस्सी साल की बूढ़ी को नहीं छोड़ा हाँ सत्तर साल की बूढ़े को नहीं छोड़ा किसी को जला दिया किसी को मार दिया यह भी ख्याल नहीं क्या कि ये बूढ़े लोग हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए जब जरनेल करनेल जंग पर जा रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम उनको नसीहत करते हुए कहते हैं इन तले को बी अल्लाह का नाम लेकर चलो जंग पर जा रहे हो किसका नाम लेकर चलो अल्लाह का नाम लेकर चलो अल्लाह की मदद के साथ चलो विल्ल अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर चलो कहाँ जा रहे हैं जंग के लिए ला तख्तोलो शेखन फानियन ऐसे बूढ़े आदमी को कतल ना करो जिसकी जिंदगी मिट चुकी है कुछ नहीं है उसकी जिंदगी कतल करके क्या लेना है तिफलन किसी बच्चे को खतर ना करो यहां तो कुछ ऐसा हुआ कि मां के पेटों को चीर कर बच्चे निकाले गए फसादात में वाला सगीरन किसी छोटे बच्चे को खतर ना करो इमरातन किसी औरत को कतल न करो अल्लाह के नबी सल्लम साहबा से कह रहे हैं बूढ़े को कतल न करो किसी औरत को कतल न करो वाला तुलू ज़्यादा गुलू न करो हद से ज़्यादा ना करो व असली हो अच्छा करो जो भी करना है क्या करो अच्छा करो अच्छा ही करो परल्लाबलमहसिन अल्लाह ताली नेकोकारों को पसंद करता है अगर लोग मान जाते हैं बगैर जंग के बाद बन जाती है तो जंग क्या नहीं करो जंग ना करो वहाद अमर उम्म रसूल बे आदमी तार सिन या अल्लाह के नबी सकम है कि बच्चों को कतल ना किया जाए क़त्ल ना किया जाए आखिर में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि ख़ास अल्लाह के, के नबीसम की जो रहमत थी जो आप रहीम थे उसके बारे में उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी वसल्लम की ज़िंदगी के ये सारी मिसालें हैं <गत्थीज्थी> जा जातबा बिन रबिया अहद श्यू खिल मश्रकी ना मक्के मक् मक् में अल्लाह के नबी वसल्लम हैं तो मक्के का एक मुशरिक बहुत बूढ़ा था, थातबा बिन रबिया अल्लाह के वसल्लम के पास आया

वकान बंत खैर अब्दुल्लांत खैर अम अब्दल मुतलब देखिए उसने आकर क्या कहा बोला कि मोहम्मद आप अच्छे हैं या तुम्हारे बाबा अब्दुल्ला अच्छे थे तो कोई भी क्या बोलेगा आपसे अगर पूछा आप अच्छे कि असलम भाई अच्छे क्या बोलेंगे असलम भाई कौन बाप बोलेगा बेटा बोलेगा कि मैं अच्छा अच्छा अनतखैर ام عبد المطلب आप अच्छे हैं कि मुत्तलिब अच्छे हैं। एक और ज़रा आगे बढ़ा फ़कत नबी अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लम खामोश है तदुबन व आराधन जाहिलीन एक तो वो उम्र में बड़ा था नादान था उसे जवाब देना नहीं था उसका ना जवाब देना ही जवाब था अल्लाह के रसुलश है फवा सब का भिर उतबा फिर कहने लगा

फुलसम अली अगर तुम ये कहते हो कि तुम उन लोगों से बेहतर हो तो तुम अपनी बात कहो सुनी जाएगी साहर तुम कुरैश का नाम बदनाम कर रहे हो लोग कहते हैं कि कुरैश में एक जादूगर पैदा हुआ है कुरैश में एक काहिन पैदा हुआ है आ? मा तुरी बस्यूफा तुम ये चाहते हो कि हम तलवार लेकर निकल जाएं एक दूसरे से लड़कर ख़त्म हो जाएं पूरी बातें उसने कहा तो अल्लाह के नबीसम ने ज़रूरी समझ लिया कि इसके इसे कुछ कहा जाए बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि अगर तू माल चाहता है तो हम माल तेरे लिए जमा कर लेते हैं जितना माल मांगो देने को तैयार है अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो हम तुमको सरदार बना लेते हैं अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो बादशाह बना लेते हैं हा? अगर तुमको कुछ जिन ने टच किया है शैतान आ गया है तो हम उसे भी दूर करते हैं कौन किसे कह रहा है अल्लाह के नबी वसलम से कह रहा है वमाजाल ये बहदत इला नबी वसलम बिहद अलहदीत तो उतबा बिन रबिया अल्लाह के नबी वसलम से ये बातें कहते रहा कहता रहा और अल्लाह के नबी नबीम ने आखिर में कहा कि अफरक़ तया अबलवलीद अल्लाह के नबी से क्या पूछा अफरक़ तया अब अबुलवलीद अब वलीद उसके बेटे का नाम था उसकी कुनीत हो गया कि बोल को क्या बोले अल्लाह के पूरी तकरीर उनकी हो गई अल्लाह के रसूल क्या बोल रहे हैं अफरक़ तया अबुललीद तुम्हारी बातें सारी हो गई देखा ये भी अच्छी आदत है सामने बात वाली की बात काट कर नहीं बोलेंगे कला नाम उतवा बिन रबिया ने क्या कहा हाँ मैं बोल को होगा काला इसमा अमी अब क्या करो मैं बोल तो तुम्हें सुनो <laughs> देखा आपने अल्लाह के नबी वसलम अल्लाह अल्लाह मसलआला मोहम्मद वाल आली मोहम्मद कमा सल तला ब्राहिम वाल आली ब्राहिम इनका हमीदम मजीद तो उस आदमी ने कहा इफाल बोलो क्या बोलना बोलो सुन तुम बोलो

तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो बातें हमने सीखी हैं अल्लाह ताला उस पर करने की तौफीक दे अल्लाह ताला बुज़ुर्गों की तवीम करने की तौफीक दे आमीन असलम आलैक्म वरमि वर्काता